cross product of two vector doesn't matter, because if you write sine theta doesn't have any dimension. So torque means radius and force. You know the radius, you know the force also. Radius या length, b tesla, tesla यहाँ से निकल आएगा. तो आपको ultimately mLT में ही तो निकालना है. तो सारे mLT में convert हो जाएंगे जब रखोगे. So you're not dare even, don't dare even to take the torque applied on the system. The earth, how it happened, none of your business. No torque, nothing, but suddenly radius has got changed. But before we begin, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे. यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में. डाउनलोड कीजिए iitwalebaba ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट. क्या? हाँ बेटा, आर कैसे निकालें? आर होता है वी बाय आई. वी को लिखो डब्ल्यू बाय क्यू. डब्ल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. क्यू को लिखो आई टी. आई स्क्वायर टी हो गया. ये टी ऊपर ले जाओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और आई ऊपर गया ए माइनस टू. अरे आई स्क्वायर ऊपर गया ना, आई स्क्वायर ऊपर गया. चलो चलो आगे बढ़ो आगे. फिफ्थ, द डायमेंशंस ऑफ इंपल्स. इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम. फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, सेम एज लीनियर मोमेंटम. ओके, आगे बढ़ो. सिक्स, सर ये इनको ना क्वेश्चंस की भी एक, कितने क्वेश्चंस हैं? 10 है ना, तो 8-10 मिनट होते होते अगले पेज पे चले जाओ. जो कर पाएंगे ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे उनको दिखाना मत दोबारा, क्योंकि मैंने एक बार बोला कि आंसर डिस्कस नहीं किया, फिर भी ये बोले जा रहे हैं. अपना लिखो, अपने अपने आंसर्स लिख के आगे बढ़ते जाओ. पेज आपके लिए थोड़ी देर बाद गायब होने वाला है, 10 मिनट होने वाला है. अरे नहीं क्या? क्वेश्चन ना आ रहा तो पूछ सकते हो मुझसे कोई. मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है? चलो फॉर्मूला बता दे रहा हूं. बी ए, बी मैग्नेटिक फील्ड है. बी कैसे निकालोगे? एफ इज इक्वल टू आई बी एल. इससे बी निकाल लो. आई करंट है और नहीं, एल लेंथ है. आसान हो गया. ठीक है, एल लेंथ, आई करंट. इससे बी क्या आ गया? एफ अपॉन आई एल. एफ हो गया एम एल टी माइनस टू. आई इज एम्पियर, लेंथ इज एल. एल से एल कट गया, इसलिए बी क्या आ गया? एम टी माइनस टू ए माइनस वन. एंड ए स्टैंड्स फॉर एरिया. सर नेक्स्ट पेज. बहुत हो गया, 10 मिनट हो गया. कौन सा क्वेश्चन? एट, सेवन, थोड़ा दिखा दो. चलो सेवन देख लो. सेवन एक बार और. द फोर्स एफ और ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज रेडियस मूविंग इन अ मीडियम वेलोसिटी वी एंड गिवन बाय दिस 6 पाई. कल मैंने एक फॉर्मूला यूज भी किया था, 6 पाई ईटा ए वी, डायमेंशन ऑफ ईटा. फिर आंसर बता रहे हो, आंसर क्यों बता रहे हो? चलो सर नेक्स्ट पेज. आंसर नोट कर लो, अभी चेक क्रॉस चेक कर लेना व्हेन आई शो यू द answers of all the questions. So cross check करके अपने आप ही मैं पूछूंगा एक एक से कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाई करिए. अपना चेक करके आगे बढ़ जाओ. डोंट टेल अदर्स, वॉट एवर यू फील्स राइट देन पिक अप दैट आंसर एंड गो अहेड. सर ऊपर, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर जाओ. यस, आराम से.
प्रेशर का फॉर्मूला आता है सबको? ठीक है, गुड। Keeping temperature constant, how do you relate pressure and volume together? PV is equal to constant. So उसको apply करो. Question number 11th के लिए बोल रहा हूँ. क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सब कर रहे होंगे। टॉर्क फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर doesn't matter because if you write sine theta doesn't have any dimension. So torque means radius and force. You know the radius, you know the force also. How to relate momentum and kinetic energy together? Very good. So use this formula for question number 13. आपसे कुछ भी नहीं होगा अगर आपके फॉर्मूले नहीं आते, भले ही आप मैंने दोनों दिन मेरा क्लास अच्छी तरह समझ लिया हो, तो वो बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कल बोला था मैंने फॉर्मूले वगैरह याद करने को। ऐसे लिखो कि कभी जब ढूंढो कि तुमने क्या लिखा था तुम्हें ही दिक्कत ना हो, मतलब थोड़ा साफ साफ। यस बेटा, वेबर 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 इज एक्चुअली फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स। Flux, magnetic flux is measured as, written as phi and measured as Weber. Actually it's a WB. WB ही sufficient है, R लिखने की जरूरत नहीं होती। So if phi is BA, so B will be phi upon A, that becomes Weber per meter square. So Weber per meter square is equal to what? Tesla. Tesla is the unit of magnetic field. चलिए मैंने बता दिया आपको। Tesla is the unit of magnetic field. Question number 16. Magnetic flux is phi Weber.
सो फाई इज बी इंटू ए फॉर्मूला है ये, इससे बी निकाल लिया फाइव है ये, मैग्नेटिक फील्ड हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली टेस्ला में मेजर करते हैं, दैट मीन्स टेस्ला इज ऑल्सो वेबर पर मीटर स्क्वायर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। It's not Faraday, it's a Farad. Faraday is the name of the scientist, but the unit is not Faraday. Sab log Newton nahi hai. Theek hai? It's a Farad, Farad. F-A-R-A-D, Farad. One Farad, Farad. Microfarad and Farad. Who gave the idea of calculus? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स, कोई भी फोर्स, फोर्स के नाम क्या के कुछ भी लगा दें, फोर्स ही है, ठीक है, फोर्स इज फोर्स। ऑब्वियसली वही तो होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और से हाँ आते हैं ऐसे। अब आपको पता होना चाहिए ना कि फोर्स इज ऑलवेज फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज फोर्स, एनर्जी इज ऑलवेज एनर्जी, मालूम होना चाहिए। नाम से भयभीत मत हो, इलेक्ट्रोमोटिव। निकाल लो, कल निकाला था, कल बताया था फॉर्मूला, जी एम एन एम टू वाई आर स्क्वायर उससे निकलेगा ना, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इज कैपिटल जी, इसका कॉन्स्टेंट इसका होगा, डायमेंशन होगा इसका, और क्या, फॉर्मूले से निकालो। हो गया, हो गया, गुड, आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पेज। कहां पहुंचे, लास्ट क्वेश्चन, चलो एक एक 30 सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ई एम एफ इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो इलेक्ट्रोमोटिव भूल जाओ, है तो फोर्स, हाँ डिफरेंस उसमें तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन अंत में फोर्स आ रहा है इसलिए उसको, अच्छा ये सॉरी लगता है वही गलत हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओ हो, आई एम सो सॉरी बच्चों, गलत हो गया मैं, कोई बात नहीं, रेक्टिफाई कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम सिर्फ फोर्स है, लेकिन एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं किसी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इसलिए एम्स में आया था, अभी कह रहे थे ना थोड़ी पहले, हिम्स में आया था, तो हो सकती कभी कभी ये नाम से हम कंफ्यूज हो जाए, तो कहते भले फोर्स है एक्चुअली, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ सेल, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज ई एम एफ। ओके, सो सिंस इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, द यूनिट हैज टू बी, हो जाती गलती, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात है कि इसने पूछ दिया। नेक्स्ट पेज सर, नेक्स्ट पेज,
एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसमें परमिबिलिटी आती है, बी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर, वेयर बी इज टेस्ला, दिस इज परमिबिलिटी, आई इज करेंट एंड एल इज लेंथ, आर इज रेडियस डिस्टेंस। टेस्ला अभी थोड़ी देर पहले बता रही था, टेस्ला, ये रहा टेस्ला। तो टेस्ला को मैंने बताया था उससे निकालने को, B इज एक्चुअली F अपॉन आई एल, वेयर I इज द करंट एंड L इज द लेंथ एंड F इज द फोर्स, इससे टेस्ला निकलेगा। बताए तो जैसे परमिबिलिटी यहां से निकालो, 4 पाई कांस्टेंट है भूल जाओ, आई करंट, एल लेंथ, आर रेडियस या लेंथ, बी टेस्ला, टेस्ला यहां से निकल आएगा। तो आपको अल्टीमेटली एमएलटी में ही तो निकालना है, तो सारे एमएलटी में कन्वर्ट हो जाएंगे जब रखोगे तो। F अपॉन आई एल, वो फॉर्मूला चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, सॉरी 24 के लिए। जी और रेडियस का फॉर्मूला है याद किसी को, स्मॉल जी एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन हो गया, स्मॉल जी इज कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। एक फॉर्मूला ही हो गया। आपको फॉर्मूला चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो भी निकालना है। वो भी बता दूं, रोटेशनल मोशन भी नहीं हुआ होगा अभी तो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या इसको मैं आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर ओनली फॉर वन मास, फॉर अर्थ एज ए स्फीयर द फॉर्मूला इज 2/5 एम आर स्क्वायर, कर लिया लगता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज 2/5 एम आर स्क्वायर,
एल इज आई ओमेगा, एक मिनट सुन तो लो, एल इज आई ओमेगा। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, आपने कुछ बताया था मुझे। पता नहीं हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली मोमेंटम था उसमें। वैसे ही अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रिलेट करने को कहूं, जैसे आपने यहां किया वैसे बता सकते हो कैसे करोगे? क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये था काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर पी की जगह एल अपॉन टू की जगह टू, टू तो नहीं बदलेगा, एंड एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मास एक्चुअली इज सिमिलर एज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मास हैपेंस टू बी अ केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हैपेंस टू बी अ केस ऑफ रोटेशनल मोशन, दे प्ले द सेम रोल। तो टू एल स्क्वायर अपॉन टू आई। नाउ एंगुलर मोमेंटम आपको किस इसकी जरूरत क्या? एंगुलर मोमेंटम डजंट चेंज इफ द रेडियस चेंजेस, एंगुलर मोमेंटम डजंट चेंज। व्हाई? बिकॉज एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग द लीनियर मोमेंट रिमेन सेम। व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड? लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली ट्रांसफॉर्म विद एंगुलर मोमेंटम, एज लॉन्ग एज नो टॉर्क इज एक्टिंग द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम, एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। So you're not dare even, don't dare even to take the torque applied on the system. So Earth, how it happened, none of your business. No torque, nothing, but suddenly radius has got changed. So the torque will not be applied. Angular momentum will not be there, changing, constant. So ultimately rotational kinetic energy must be addressed by this formula. I will change now. I told you, sphere ka I kya hota hai? So ab aap iski help se, isko yahan dal dena. इसकी हेल्प से आप रेडियस को आप कितना चेंज कर रहे हो? 2%, कितना? 2%। तो आप इसकी इसको यहां अप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड आउट कि हाउ मच विल बी द चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कीपिंग एल कांस्टेंट। नोट कर लेना, एल विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग। समझ नहीं आया? फिर से बताऊं, In absence of external force, linear momentum remains constant. Similarly, in absence of external torque, angular momentum remains constant. So rather than writing rotational kinetic energy as half I omega square, let us write L square upon 2I. Yeh kahan se aaya? As you write P square by 2M, P will substitute by L, क्योंकि P linear momentum है, L angular momentum है. 2 will numerical constant remain same and mass के place पे moment of inertia आ जाती है, आप पढ़ोगे, ठीक है? अब I sphere का I होता है 2/5 हमारे square, I की value इसमें डाल दो. If I substitute I 2/5 हमारे square, how much I get? I get R K E as L square upon 2/5 mr square. So 5/4 L square upon mr square. You are not changing anything. You are changing only radius. So if I differentiate this, apply karo formula. R k delta R K E upon R K E. बताओ, ये तो कांस्टेंट है, भूल जाओ, ये कांस्टेंट है, भूल जाओ, ये कांस्टेंट है, भूल जाओ, माइनस टू डेल्टा R by R. Since it is in denominator, so naturally there will be adverse effect. When radius will increase, rotational kinetic energy will decrease. That is why I put minus sign over here. Now if I multiply by 100 both the side,
व्हाट इज डेल्टा आर बाय आर इनटू 100 परसेंटेज चेंज इन द रेडियस हैज दैट बीन गिवन इज इट डिक्रीजिंग आर इंक्रीजिंग सिंस दिस इज डिक्रीजिंग सो दिस इज माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस 2 इनटू 2 4 सो द आंसर इज एग्जैक्टली के विल इंक्रीज बाय 4% दो ऑप्शन है के इंक्रीज का फोर अब जी वाला मैं नहीं बता रहा हूं जी अपने आप कर लेना नेक्स्ट अभी कितने क्वेश्चन हुए बच्चे कहां तक पहुंचे 12:30 तक नहीं है तीन घंटे नहीं पढ़ाने हैं 3-3.5 घंटे आईआईटी जेई की क्लासेस तो 3-4 घंटे की होती हैं ओके जरा एक बार इनको आंसर्स दिखा देना 25 में से इवेल्युएट कर लेते हैं जरा एक बार मैं इसी बहाने बाय फेस देखना चाहता हूँ किसके कितने परफॉर्मेंस कितने परसेंट हैं क्वेश्चन बैंक आंसर फर्स्ट पेज पे था आंसर या मैं बताता हूँ आप चेक करो चलो रहने दो क्वेश्चन नंबर 1 सही है तो करेक्ट करते जाओ क्वेश्चन नंबर 1 डी क्वेश्चन नंबर 2 डी 3 सी 4 सी 5 बी जिसका नहीं सही है क्रॉस कर देना ईमानदारी से चीटिंग नहीं 4 सी 5 बी 6 डी 7 डी 8 ए 9th डी 10th ए 11th ए 12th बी 13 बी बी फॉर बॉम्बे 14 सी 15 डी फॉर दिल्ली 16 बी बॉम्बे 17 दिल्ली 18 बॉम्बे 19 ए 20th ए 21st सी 22nd ए 23rd सी 24th बी एंड 25th सी सी कैसे हो सकता है एनीवे जस्ट चेक इट आउट हाउ मेनी रॉन्ग्स हाउ मेनी राइट फाइव रॉन्ग यू कंप्लीटेड 24 ओनली ओके आपके यू अटेम्प्टेड 23 18 करेक्ट सही सही बताओ डरने की कोई बात नहीं कितने सही हैं 15 सही हैं आपके बच्चे आउट ऑफ 22 14 आर करेक्ट यस पूरा भारत देश देख रहा है लेट्स सी दिस गर्ल स्पीक हाउ मेनी करेक्ट 17 आउट ऑफ 17 अटेम्प्ट किया 12 सही है ओके आपके कम ऑन ये नहीं काउंट कर पा रहे हो कितने सही हैं आपके बेटे आउट ऑफ 22 वेरी गुड एट रॉन्ग है ज्यादा रॉन्ग हो गए यस दो गलत हैं अच्छा 17 की स्पीड बढ़ाना है आपको ठीक है स्पीड बढ़ाओ 24 अटेम्प्ट किए 18 करेक्ट हैं लेकिन क्या है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है तो तीन ही गलत हैं है? लेकिन की क्या बात है गुड वेरी गुड यस बेटे 4 इनकरेक्ट हैं दैट मींस 19 करेक्ट हैं 12 सही है ओके वेरी गुड मतलब चुप रहना कोई वो डीमेरिट नहीं है आप चुपचाप बैठे रहते हो इसका मतलब ये नहीं कंक्लूड कर सकते आपको आता नहीं है गुड बट थोड़ा बोला भी करो क्लास में 20 अटेम्प्ट किए सही कितने 15 है 17 करेक्ट है 19 करेक्ट है 3 रॉन्ग है 3 करेक्ट है
21 करेक्ट है, ठीक है, क्या बात है, गुड, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. अगर कहीं पर इसमें क्वेश्चंस में डाउट होगा तो देयर इज अनदर टीम हु विल बी हेल्पिंग यू आउट. सॉरी फॉर टेकिंग 5-6 मिनट्स मोर. थैंक यू.